क्या समझते हैं आपके ये जो वाकई खुदावंद की तरफ से अता होती है चीजें? ये सब कुछ खुदावन की तरफ से होती है जी, अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और आप देखेंगे बाज चार पांच भाई होते हैं, उनमें से एक खिलाड़ी होता है, एक राइटर होता है, एक कुछ भी नहीं होता, दो वैसे दुकानदारी टाइप होते हैं। ये कुदरती तौर पर उनके जहन में तैयार होती हैं चीज़ें। जो क्रिएटिव बंदा होता है उसका मिजाज और होता है, उसके ख्यालात और होते हैं, उसका माहौल ही और होता है, बहुत अच्छा। और उसके उसके जहन में जो बातें होती हैं वो उनको क्रिएट करता रहता है। क्रिएट करने के बाद फिर वो उसे सामने लाता है, सामने वो किस शक्ल में लाता है, ये कुदरती तौर पे जो उसके अंदर जो उसकी तबीयत में अल्लाह ताला की तरफ से रख दिया गया वो सामने लाता है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने नसर में भी और शायरी में भी, और आपने इंग्लिश पोएट्री भी इनकी पढ़ी होगी, उसमें भी इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, अच्छा। और वैसे भी बच्चों के लिए काफी कुछ लिखा है इन्होंने। ये क्रिएटिव बंदे हैं और ये क्रिएट करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ये इनका काम मकसद हयात जो है ना, वो तख्लीक करना और तामीर, तख्लीक बराए तामीर है, बा मकसद राइटर है। बा मकसद है।